नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये ऑर्गेनाइजर बनाने का आसान सा तरीका। तीन पॉकेट वाला हमने यहाँ पे ये तैयार किया है, तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने सामान रखने की किट देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पुरानी शर्ट का ही यूज करना है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इसमें से एक साइड से पहले इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद इसमें से हम जो चौड़ाई वाला पीस कटिंग करेंगे 8 इंच का करेंगे। इस तरीके से इसको डबल कर लेंगे और जो लेंथ कटिंग करेंगे यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो 22 इंच तक की इसकी लेंथ कटिंग करेंगे और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नोक बना देंगे सेंटर में। तो ये पीस हमने ऐसे कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए, पूरा पीस हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसकी लंबाई हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे आएगी 23 इंच, 23, और चौड़ाई आएगी हमारी 8 इंच। अब हमें यहाँ पे तीन पॉकेट कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये पॉकेट हमने जो कटिंग की है तो इसका साइज इस तरीके से 7 इंच का होगा और चौड़ाई हमें इतनी ही रखनी है। तो एक ये आ जाएगी हमारी, दूसरी यहाँ पे ये आ जाएगी और तीसरी हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी। इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये पॉकेट आएगी। पॉकेट के साथ साथ हमें यहाँ पे एक नीचे के लिए अस्तर भी लेना है। ये सेम साइज का हम यहाँ पे अस्तर लेंगे ऐसे लगाने के लिए, और बीच में लगाने के लिए यहाँ पे रबड़ सीट लेंगे ताकि ये थोड़ा हार्ड रहे और हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। ये हमारी रबड़ सीट होगी जो कि हमें बीच में लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे पाइपिंग पट्टी लेनी है इस तरीके से मैचिंग करते हुए, जो कि हमारी सभी जगह लगेंगी। तो मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे रबड़ सीट सेट करनी है। तो ये है हमारे पास रबड़ सीट, तो इसको हम यहाँ पे बीच में लगाएंगे, जो नीचे रखेंगे इस पर और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ये रबड़ सीट और ऊपर रखेंगे यहाँ पे कपड़ा मेन फैब्रिक और इसके चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ पे नीचे अस्तर लगा लिया है, बीच में रबड़ सीट है और ऊपर की साइड यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। अब हमारे पास जो ये तीन पॉकेट है इनमें लगानी है हमें एक एक साइड में पाइपिंग। तो यहाँ पे तीनों पॉकेटों में हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग कैसे लगानी है, इस तरीके से हम रखते हैं यहाँ पे ऐसे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करेंगे और सीधी साइड में फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से रेडी करना है पाइपिंग पट्टी लगाते हुए, जो कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये आता है। तो दो पॉकेट हो रहे हैं, इनमें भी सेम ऐसे ही लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे तीनों पीस जो हैं इस तरीके से रेडी कर लिए हैं ऊपर पट्टी लगाते हुए। इसके बाद हमें एक एक करके यहाँ पे इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे सबसे पहले ऐसे अच्छे से सेट करते हुए और यहाँ पे नीचे से लगाएंगे सिलाई। इस साइड में जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे आपने इस तरीके से 1.5 इंच का एक निशान लगा लेना है ऐसे, और इस निशान पे ही यहाँ पे हमें दूसरी पट्टी, दूसरी पॉकेट ये ऐसे रखनी होती है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ऐसे स्टिच कर देना है। फिर से हम यहाँ पे
ये निशान लगाएंगे। ये आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे ये लास्ट वाली पॉकेट, और यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे। इसके बाद इनको हमें नीचे से स्टिच करनी है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, बिल्कुल सीधी ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड में। और इस सिलाई को यहाँ पे ऐसे लेकर के जाएंगे और वापस ले आएंगे सिलाई को, ताकि ये मजबूत हो जाए। सिलाई हमने पूरी मजबूती से लगानी है। दूसरी पॉकेट भी हम ऐसे ही सेट करेंगे और तीसरी पॉकेट भी ऐसे ही सेट करेंगे। तो ये देखिए, तीनों पॉकेट जो है हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। इस तरीके से पूरी पॉकेट आएंगी हमारी ऐसे खुली डुल्ली। अब हम यहाँ पे साइडों में लगाते हैं पट्टी। जैसे हमने इधर लगाई है, सेम वैसे ही तरीका होता है यहाँ पे भी पट्टी लगाने का। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ऊपर की साइड ये पट्टी लगा ली है और नीचे से हमने एक लूप भी अटैच कर ली है इसको हैंगिंग करने के लिए, और यहाँ पे नीचे भी पट्टी लगा ली है। तीनों पॉकेट हमारी इस तरीके से ये रेडी हो जाएगी और पूरा ऑर्गेनाइजर हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये तैयार हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया है। इस तरीके से आप पुराने कपड़ों में से इस तरीके का ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।